गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. क्लास फोर सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर टुडे वी रीड चैप्टर 7 ब्रेवो आमिर आघा. तो इस चैप्टर को हम लोगों ने फर्स्ट पेज रीड किया था. आज कंटिन्यू नेक्स्ट पेज से कर रहे हैं हम लोग. तो आप लोग इसे रीड और रीड करेंगे. माई आइज कैप्ट रिटर्न टू द ब्लू काइट दैट हैड बीन वेकिंग हर वॉक फॉर द लास्ट आवर. हाउ मेनी हैज़ ही कट आस्क आई आस्क. मेरी आँख उसी ब्लू काइट पे टिकी है जो पिछले एक घंटे से तबाही मचाए हुए थे. हाउ उसने कितने को काटा मैंने पूछा. मतलब आमिर आघा ने पूछा. आई काउंटेड 11 हसन सेड. हसन ने कहा मैंने 11 गिने. डू यू नो हुज हिज माइट इट. क्या तुम्हें पता है ये किसका हो सकता है. हसन क्लिक्ड हिज टंग एंड ट्रैप्ड हिज चिन. दैट वॉज ए ट्रेडमार्क हसन गेस्चर विच मीन्स ही हैड नो आइडिया. तब हसन अपने जीभ को निकालता है, अपने चीन को झुकाकर कहता है कि अब इसका मतलब एक स्पेशल गेस्चर में कहता है, हावभाव में कहता है कि मुझे आइडिया नहीं है. द ब्लू काइट स्लाइड अ बिग पर्पल वन एंड स्लैप ट्विंस इन बिग लूप्स. और फिर से ब्लू काइट जो होता है एक पर्पल बड़े से पर्पल काइट को अपने धागे से गिराता है. 10 मिनट्स लेटर ही हैड कट अनदर 2 सैंडिंग हर्डर्स ऑफ द काइट लर्नर रेसिंग आफ्टर देम. 10 मिनट बाद वह फिर से 2 को काटता है उस पतंग के झुंड रेसिंग रनर रेसिंग झुंड में से 2 को फिर से काटता है. आफ्टर देम उसके बाद आफ्टर अनदर 30 मिनट्स 30 मिनट बाद ओनली 4 काइट्स रिमाइंड. तो 4 के काइट ही बचते हैं. एंड आई विल स्टिल फ्लाइंग. मैं अभी भी उड़ रहा था. इट सीम्ड आई कुंड हार्डली मेक अ रॉन्ग मूव अज इफ एवरी गस्ट ऑफ विंड बिलो इन माय फेवर. तो मैं अभी भी उड़ रहा था और मैं यह महसूस कर मैं कोई गलत मूवमेंट करना नहीं चाह रहा था. अगर मैं ऐसा करूँगी तो मैं झुंड क्योंकि हवा जो है मेरे फेवर में झुंड में से हवा जो था वो मेरे फेवर में था. आई हैड नेवर फेल्ट सो इन कमांड सो लकी इट फेल्ट. मुझे पता नहीं कि मैं इसे कैसे कमांड कर रहा था इसलिए मैं लकी महसूस कर रहा लकी था और उड़ाने में मस्त था. आई डोंट लुक अप द रूफ. मैं छत की ओर नहीं देख रहा छत की ओर नहीं देखा. डिडंट डेयर टेक माई आइस ऑफ द स्काई. मेरी आँख जो है वह आसमान में चुनौती ले रहा था. आई हैड टू कंसंट्रेट प्ले इट स्मार्ट. मैं ध्यान के साथ स्मार्टली खेल रहा था. अनदर 50 मिनट्स एंड वॉट हैड सीम्ड लाइक ए लाफेबल ड्रीम एंड मॉर्निंग हैज सडनली बिकम ए रियलिटी. मुझे दूसरे अनदर 15 मिनट्स दूसरे 15 मिनट बाद मुझे लगा कि मैं सुबह में कोई अच्छा सपना देख रहा था और अचानक सच्चाई सामने आती है. इट वॉज मैं जगता हूँ. इट वॉज जस्ट माई एंड अदर गाइज द ब्लू काइट. मैं और केवल दूसरा ब्लू काइट ही बचते हैं. द टेंशन इन द एयर वॉज एज टट अज द ग्लास स्ट्रिंग आई वॉज टैकिंग एट विथ माई ब्लडी हैंड्स. तब टेंशन इस बात का था कि हवा जो था वह मेरे हवा से जो ग्लास था धागा था वह मेरे हाथ में कस जाता है और वह मैं जब उसे खींचता हूँ तो मेरा हाथ जो होता है वह हाथ से खून बहने लगता है. पीपल वेयर स्टॉपिंग देयर फीट. लोग जो थे वे अपने पैरों को बजा रहे थे क्लैपिंग ताली बजा रहे थे वेस्टिंग सीटी बजा रहे थे चैटिंग चैनिंग ब्रूफो चिल्लाकर कर रहे थे ब्रोबोरेश कट हिम काटो काटो सबास काटो काटो. आई वॉन्डर्ड इफ बाबाज वॉइस वॉज वन ऑफ देम. मुझे लगा कि उनमें से कोई मेरे बाबा का आवाज़ है. म्यूजिक ब्लास्टेड तो म्यूजिक सुनाई देता है. द स्मेल ऑफ स्टीम्ड मैंटू एंड फ्राई ब्रोकन ड्रिफ्ट फ्रॉम रूफ टॉप एंड ओपन डोर. और मुझे मैंटू एक डिश का नाम है और फ्राइड पकौड़ा का छत के टॉप में
और दरवाज़ों से स्मेल आ रहा था। बट ऑल आई हेयर्ड, लेकिन मैं उन्हें सभी को सुना, ऑल आई विल बी माई सेल्फ टू हेयर वॉज द टर्निंग ऑफ द ब्लड इन माई हेड। और मेरा जो ध्यान जो था वह केवल उड़ाने में था। ऑल आई सो वॉज द ब्लू काइट, और सभी तरह से मैं केवल ब्लू काइट पर ध्यान था। ऑल आई स्मेल्ड वॉज विक्ट्री, और सभी ने मुझे विजयी होना था। सेल्वेंसन मतलब मुझे उससे क्या करना था, जीत हासिल करना था, उसे गुनाहों की सज़ा देनी थी उस ब्लू काइट को। ये मैं सब इस पर ध्यान दिया हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके चैप्टर को आगे रीड करूँगी। आप लोग तब तक इस चैप्टर को रीड करेंगे। थैंक यू।